तो फाइनली दोस्तों नॉमिनेशन टास्क का रिजल्ट आ गया है और आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार क्या है नॉमिनेशन टास्क। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे मैं मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, आप वहां पर मुझे फॉलो भी करें। बात करते हैं कि आखिरकार नॉमिनेशन टास्क में कौन हो गया नॉमिनेट। जी हाँ, जनता के हाथों में बोलकर गए बिग बॉस और हमसे धोखाधड़ी नहीं छोड़ेंगे, बदला तो लेंगे हम। मजाक कर रहा हूँ। सर दोस्तों, हमको बोला जाता है कि 3 बजे आज से नॉमिनेशन होगा, फटाफट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाओ, अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाओ। वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग तो देखते रह गए। फाइनली अल्टीमेट डिसीजन अक्षरा और प्रतीक का था कि किसको नॉमिनेट करें किसको नहीं। अब आपको बता दो दोस्तों, तो प्रतीक ने जिनको नॉमिनेट कर दिया, प्रतीक और अक्षरा ने, दोस्तों अक्षरा सिंह ने, तो भैया मैं तो कहना चाहूंगा कि अब तो दोस्ती में दरार पड़ जाएगी और अब जो बंदा उसके साथ था वो उसके अगेंस्ट होता हुआ नजर आएगा और अपना दिमाग चलाएगा। और कौन है वो, सुनिए बात ध्यान से। राहुल बोझ आ गया है, स्वागत है आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे मौजूद हूँ राहुल बोझ के नाम से, वहां पर मुझे फॉलो कर लें। बात करते हैं दोस्तों नॉमिनेशन की, कि नॉमिनेशन में क्या हो रहा है खास। सबसे पहले तो आपको बता दूं, तो पहला तो 4 राउंड थे इसके, मैंने तो आपको बताई थी ये बात, हेयर कलर वाला जिसमें से प्रोमिनेंट था, ठीक है। अब हेयर कलर वाला तो हो गया, सारी चीजें हो गई, तो जहां पर सुबह ही जीशान ने अपना पार्टनर चेंज कर दिया था, उसने दिव्या अग्रवाल को अपना पार्टनर बना दिया था, और जो उसके साथ है उर्फी जावेद तो उसको जो है बना दिया, मतलब कि नॉमिनेशन में आ गई वो, ठीक है। अब साथ ही साथ प्रतीक के खास दोस्त निशांत भट्ट और मूस जो है, दोनों ही, मुस्कान जताना जो है, दोनों ही नॉमिनेशन में आ गए, यानी कि 3 लोग इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए। हालांकि जाएंगे नहीं, इतना तो मुझे 101% लग रहा है, या हो भी सकता है यार, क्योंकि ये 6 हफ्तों का ही सफर है, तो हो भी सकता है, मे बी, पता नहीं। हाँ, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। सो देखते हैं कि कौन जाता है इनमें से। वैसे आप किसको घर भेजना चाह रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। चलता हूं, ख्याल रखें।